वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, आप देख रहे हैं आज तक। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बात सबसे पहले चीन की करेंगे, जो हिंदुस्तान की जमीन पर गलत नियत बनाए हुए है, जिसे लेकर भारत ने अब तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां ड्रैगन की हर साजिश का करारा जवाब दिया जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को साफ शब्दों में कह दिया कि सीमा पर किसी भी तरह की गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी। सीमा पर चीन की साजिश अब उसे महंगी पड़ने वाली है। गलवान घाटी पर तनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। कल रात पीएम आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री पीएम मोदी से मिले, जहां लद्दाख के हालातों पर चर्चा हुई। वहीं 19 जून को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को बुलाया गया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग से फोन पर बात कर खरी खरी सुनाई और साफ शब्दों में कहा कि ये चीन की साजिश है। गलवान में जो हुआ वो चीन की पहले से तय साजिश थी। इससे ये पता लगता है कि चीन जमीनी हालात बदलना चाहता है। वहीं चीन के प्रवक्ता का बयान भी चीन की साजिशों की ओर इशारा कर रहा है। A gang crossed the line of actual control for illegal activities and deliberately launched provocations and attacks which led to fierce physical confrontations and resulted in casualties. The sovereignty of the Galvan Valley area has always belonged to China. The Indian border troops flip-flopped and seriously violated our bilateral protocols on border-related issues and the consensus of our commander-level talks, which severely undermined our military-to-military relations and the feelings of our two peoples. सेना ने पहले ही अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में LSC के साथ अपने सभी प्रमुख फ्रंटलाइन ठिकानों पर अतिरिक्त जवानों को रवाना कर दिया है। वायुसेना ने पहले से ही अपने सभी फॉरवर्ड लाइन बेस में LAC और बॉर्डर एरिया पर नजर रखने के लिए अलर्ट स्तर बढ़ा दिया है। सरकार के इशारों पर काम करने वाली चीन की मीडिया ने भी प्रोपागेंडा खबरें चलानी शुरू कर दी है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत की सीमा पर इस विवाद के पीछे अमेरिका का हाथ है। ग्लोबल टाइम्स ने इसके पीछे अमेरिका के उस बयान का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका पूरे मामले पर नजर बनाए रखे है। हालांकि चीन की हालत इतनी खराब है कि उसने अभी तक अपने मरने वाले सैनिकों का आंकड़ा जारी नहीं किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि दुनिया के सामने उसकी फजीहत हो और ये पता चले कि चीन को ये झड़प काफी महंगी पड़ी। वही चीन की मीडिया ने अपनी जनता से अपील की है कि भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर वो सरकार पर भरोसा रखे। चीन भले ही शांति का ढोंग रख रहा हो, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी मजबूत कर ली है, जहां वो चीन की हर चाल को फेल करने के लिए तैयार है। लेह से श्वेता सिंह, दिल्ली से गीता मोहन, अभिषेक भल्ला के साथ मंजित नेगी, आज तक। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। लद्दाख में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने लगे हैं। शहीदों के गांव में गम और गुस्से का माहौल है, और इस झड़प में बिहार के बेहटा के जवान हवलदार सुनील कुमार भी शहीद हो गए। शहीद सुनील कुमार के गाँव तारापुर में उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। इनमें एक तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रहने वाले पलानी भी थे। उनका पार्थिव शरीर भी उनके पैतृक गांव पहुंचा तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। वहीं इनमें से एक तेलंगाना के रहने वाले कर्नल संतोष बाबू भी थे, जो बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। कर्नल संतोष बाबू के घर के बाहर तेलंगाना से इस वक्त सूर्यापेट इलाका है, वहां से आशीष पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। आशीष, यकीनन आखिरी बातें हमेशा माता पिता को, परिवार वालों को याद आती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दुख है। परिवार को गर्व तो है, लेकिन साथ ही साथ गुस्सा भी है कि बदलाव लिया जाए चीन से।
जाहिर तौर पे नवजोत 16 तारीख को आखिरी बार कर्नल संतोष बाबू की अपने पिताजी से बात हुई थी और अब इस घर में यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। माता हैं, बिकलौते बेटे थे इस परिवार के और जाहिर तौर पे गम का माहौल है, लेकिन साथ ही साथ गर्व से भरे हुए हैं माता और पिता दोनों। जब हमने उनसे बात की थी, दोनों ने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि कर्नल संतोष बाबू ने अपनी जान देश पे न्यौछावर की है। अभी यहाँ पर ये बिहार रेजिमेंट के, जिस रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उनके यहाँ पर जवान हैं। आर्थिक जो आखिरी जो कार्यक्रम है, जो श्रद्धांजलि है, उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं। आला अधिकारी बिहार रेजिमेंट के हैं, जवान यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हैं। करीब 8 बजे संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू के पार्थिव शरीर को इस स्टेज पे लाया जाएगा और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा। उसके बाद करीब करीब 9 बजे एक अंतिम यात्रा शुरू होगी और 10 बजे के आसपास में यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर 6 एकड़ की एक इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं लोग आ रहे हैं। ख़ास बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग, चूँकि COVID-19 का दौर चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। थर्मल स्कैनर्स यहाँ रखे गए हैं, सैनिटाइज़र्स यहाँ रखे गए हैं और हर एक चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है ताकि किसी को कोई तकलीफ भी ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसको पालन किया जाए और साथ ही साथ जो देश का सपूत है, जिसने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको पूरी श्रद्धांजलि, उचित श्रद्धांजलि दी जा सके। इकलौते बेटे थे, 37 साल की उम्र थी, अपने पीछे अपनी पत्नी, एक 9 साल की बेटी और 4 साल के बेटे को छोड़कर कर्नल संतोष बाबू अब हमारे बीच में नहीं है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, नम आंखों के साथ ये आखिरी विदाई भी उनको दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी वहीं से हमें जानकारी भी दे रहे थे। पूर्वी लद्दाख के LAC पर चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सपूतों ने अपनी शहादत दी। इन्हीं 20 में से एक थे झारखंड के कुंदन ओझा, जिनकी बहादुरी पर आज पूरे देश को नाज है। कुंदन ने देश से किया वायदा तो निभाया, लेकिन घर वालों के वायदे को ना निभा सका। 17 दिनों की बेटी से मिलने नहीं आ सका, आज पूरा परिवार सदमे में है। वादा था मिलने का, वादा था जल्द लौट कर आने का, नन्ही बेटी को बाहों में लेकर अपने सीने से लगाने का। वो वादा तो पूरा नहीं हो सका, लौटे लेकिन तिरंगे में लिपटी शहादत के साथ। 17 दिन की बेटी का चेहरा भी नहीं देख पाए वीर सपूत कुंदन ओझा। झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले कुंदन ओझा भी उन्हीं शहीदों में से हैं जिन्होंने गलवान वैली में चीनी फौजियों को मारते मारते शहीद हो गए। हम लोग बहुत शहादत है उनका शहीद होने से। हम लोग के पास कुछ शब्द नहीं है, लेकिन इतना गर्व है कि वो देश के लिए गए हैं। उचित कार्रवाई, खून का बदला हम लोग चाहते हैं जो वहीं होना चाहिए। कैसा था यहाँ का जो भी? बहुत इंसान, बहुत सुंदर लड़का था, ईमानदार था। साहिबगंज के डिहारी गांव के रहने वाले कुंदन कुमार ओझा 7 साल पहले ही सेना में शामिल हुए थे। 16 बिहार रेजिमेंट में उनकी पहली पोस्टिंग उत्तराखंड में हुई थी, बाद में लद्दाख के गलवान घाटी में उनकी पोस्टिंग हुई। इसी साल फरवरी में छुट्टी लेकर घर आए, छुट्टियां खत्म हुई तो ड्यूटी पर लौट गए, इस वादे के साथ कि वो जल्द लौट कर आएंगे। लेकिन शहादत की खबर जैसे मिली, उनकी पत्नी बदहवास हो गई, नवजात बेटी से पिता का साया उड़ गया। कुंदन के पिता, दो भाई और बहन का रो रो कर बुरा हाल है, पूरा परिवार सदमे में है। अब ये परिवार चाहता है कि चीन को भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं चीन की साजिश है और इधर बॉर्डर पर भी लड़ाई, धोखेबाजी कर रहा है, कभी वार्ता करना चाह रहा है, कभी लड़ाई कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए ताकि वो फिर कभी ऐसा गलत हरकत नहीं कर सके। ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए, वो अगर 20 मारा है तो 500 मारना चाहिए। शहीद कुंदन का पूरा परिवार फिलहाल झारखंड के साहिबगंज में रहता है, लेकिन उनकी शहादत की खबर पैतृक गांव आरा के पहरपुर पहुंची तो सन्नाटा पसर गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका कुंदन छोड़कर चला गया, देश के लिए वीरगति को प्राप्त होने वाले
अपने प्यारे लाडले को खोने का गम गांव वालों की आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। गांव वालों का सीना एक तरफ गर्व से चौड़ा हो रहा था तो दूसरी ओर चीन की कायराना हरकत से उनका गुस्सा उबाल मार रहा है। जिस तरह से ऐसा हुआ आगे ना हो, इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करें और चीन के प्रति कठोर, और हम चाहते हैं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि हमारे कुंदन को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाए। शहादत की वैसे तो कोई उम्र नहीं, लेकिन 26 साल की उम्र भी क्या होती है। लेकिन साहेबगंज के डिहारी गांव के कुंदन कुमार ओझा ने जो मिसाल पेश की वो इतिहास में दर्ज हो गया। आने वाली पीढ़ियां उनकी दिलेरी को याद कर गर्व महसूस करेंगी, फख्र करेंगी कि कोई कुंदन भी थे जिन्होंने देश के लिए जान न्योछावर कर दिया। आरा से सोनू सिंह के साथ साहिबगंज से सत्यजीत आज तक। तो गलवन घाटी में जिस तरीके से चीन ने धोखे से भारतीय जवानों पर हमला किया उससे पूरा देश अब गुस्से में है। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। वीर जवानों की शहादत ने एक बार फिर से देश को एकता के सूत्र में बांध दिया है। चाहे कोई भी धर्म हो, सभी एक सुर में चीन को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। और इस बीच चीन को मुंह तोड़ जवाब देने वाले वीर जवानों के शव उनके घरों पे भेजे जा रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर उनके घर तक पहुंच रहे हैं जहां बड़ी संख्या में लोग अपने बहादुर रणबांकुरों को आखिरी विदाई दे रहे हैं। पूरा देश शहीदों को सलाम कर रहा है। तो लद्दाख में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने लगे हैं। शहीदों के गांव में गम और गुस्से का माहौल नजर आ रहा है और इस झड़प में बिहार के बेहटा के जवान हवलदार सुनील कुमार भी शहीद हो गए। शहीद सुनील कुमार के गांव तारापुर में उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है और इनमें से एक तमिलनाडु के रामनाथमपुरम के रहने वाले पलानी भी हैं और उनका पार्थिव शरीर भी उनके पैतृक गांव पहुंचा तो माहौल काफी गमगीन हो गया। वहीं इनमें से एक तेलंगाना के रहने वाले कर्नल संतोष बाबू भी थे जो बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। कर्नल संतोष बाबू की अध्यक्षता में ही बातचीत करने के लिए टीम आगे गई थी एक टुकड़ी, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला किया। के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच रहे हैं। पूरे देश में जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, गुस्सा है चीन के खिलाफ। लोग चीनी सामान का बहिष्कार भी कर रहे हैं और उधर सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है, तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है किसी भी हालात से निपटने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।